हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। वी हैव लर्न अबाउट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस स्टेज इन द लास्ट लेक्चर। इन द कंटिन्यूटी टू दैट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस स्टेज। सो टुडेस आवर टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था की विशेषताएं फॉर बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 2। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि किशोरावस्था क्या है। तो किशोरावस्था से तात्पर्य बालक के 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह अवस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की होती है। मतलब जब बाल्यावस्था ख़त्म होता है तब किशोरावस्था आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था में व्यक्ति या बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यहाँ पे किशोरावस्था में बालकों का विकास की बात की गई है। तो विकास ऐसे बालकों को लिया गया है जिनका औसत विकास होता है। यहाँ सामान्य बालकों से तात्पर्य ऐसे होते हैं जो जिनको वंशाक्रम के अनुसार या उनके आधार पर लगभग सामान्य होते हैं और जिनके विकास के लिए पर्यावरण भी लगभग समान मिलता है। लास्ट लेक्चर में हमने किशोरावस्था के लिए उनका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी देखा था। चूँकि किशोरावस्था को दबाव, तनाव और तूफान की भी अवस्था माना गया है, तो इस अवस्था की सबसे मेन विशेषता ये होती है कि इसमें परिवर्तन होता है। इसको सबसे मेन विशेषता इसमें बताई गई कि परिवर्तन, चेंजेस। उसे एक डेफिनेशन से जान लेते हैं। बिग एंड हैंड के अकॉर्डिंग द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइज एडोलेसेंस इज चेंज। द चेंज इज फिजिकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। वीट व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब इस स्टेज में बालकों में बहुत सारे परिवर्तन एक साथ हो जाते हैं जिसके साथ उनको समायोजन बिठाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए ये जो शब्द है इसी की वजह से इनमें बहुत सारे तूफान आते हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मेन उनका कारण, मेन विशेषता उनकी यही है कि उनमें परिवर्तन आता है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो या मनोवैज्ञानिक हो। तो इस दृष्टि से आज हम किशोरावस्था की विशेषताओं को देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। इसे हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक परिवर्तन एवं यौन विकास। इस अवस्था में किशोर किशोरियों के बाह्य और आंतरिक अंगों के तेज़ी से विकास होता है। भारत में 13 वर्ष में लड़कियों के और लड़कों के 15 वर्ष में गोनाद ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लड़के लड़कियों के प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। उनमें काम की मूल प्रवृत्तियां का विकास होने लगता है। शरीर में होने वाले बाह्य और आंतरिक परिवर्तन उनके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में हलचल मचा देते हैं। इस एज में जो बालक बालिकाएं रहती है, किशोर किशोरियाँ, विषम लिंगी जो रहते हैं, बॉय गर्ल्स के प्रति या गर्ल्स बॉय के प्रति, उनका विशेष आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। कई बार ये होता है कि वो यौन संबंधी बुरी आदतों में उनमें विकसित हो जाती है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुँचाती है या प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इस तरह से उनमें शारीरिक परिवर्तन और यौन विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज़। किशोरावस्था में बुद्धि का भी पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी मानसिक शक्तियाँ जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, चिंतन, तर्क, तो ये सब शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें समस्या समाधान की योग्यता बढ़ जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं वे, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट और चीज़ें रहती हैं उनके बारे में सोचने समझने के योग्य हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उनमें मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाती है इस स्टेज पे। नेक्स्ट पॉइंट है,
इच्छाओं और आकांक्षाओं और कल्पनाओं का बाहुल्य। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों की इच्छाएं और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होती है उनमें। यह इच्छाएं और आकांक्षाएं अलग अलग तरह की होती हैं। जो कुछ प्राप्त नहीं होता है वे उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा दिखाते हैं। ये अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं, मतलब जो विषमलिंगी रहते हैं उनके आकर्षण का पात्र बनना चाहते हैं। ये अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा कपड़े, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छे अन्य साधन, मतलब अच्छे से अच्छे की इच्छा रखते हैं उन लोग। वो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे वो अन्य साधन हों, तो लोग बेस्ट चीज़ें ही अपने लिए चाहते हैं। इसमें कई इच्छाएं उनके भविष्य को लेके भी रहती हैं कि फ्यूचर में उनको क्या करना है। साथ में ये फ्यूचर पार्टनर के लिए भी इच्छाएं रहती हैं, उनके अच्छा उनको व्यवसाय मिले, इसकी भी इच्छा रखते हैं। कुछ किशोर किशोराएं में समाज की बुराइयों को दूर करने की भी इच्छा देखी जाती है, सोशल वर्क करने की इच्छा रहती है उनमें कई बार। और कुछ जो रहते हैं इस एज के बच्चे, वो अपने कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं, जिसको साइकोलॉजी के भाषा में दीवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो डे ड्रीमिंग रहता है, इनकी वजह से इनके व्यवहार में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इन्हें इस अवस्था के बच्चों में इच्छाएं, आकांक्षाएं और कल्पना का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुचियों में परिवर्तन, या सॉरी रुचियों में स्थायित्व होना चाहिए, स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट। तो 15 वर्ष की आयु तक बच्चों में देखा गया है कि रुचियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, परंतु बाद में उसमें स्थायित्व आने लगता है। रुचियों के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनकी रुचियाँ लगभग समान होती है। कुछ समान भी होती है, कुछ भिन्न भी होने लगती है। समान रुचि में जैसे क्या होता है, उनका शारीरिक गठन के ऊपर ध्यान रहता है, सौंदर्य के प्रति रहता है, अच्छे अच्छे वस्त्र कपड़े चाहते हैं, एक इफ़ेक्टिव स्टाइल में अपना बातचीत रखना चाहते हैं, घूमना फिरना पसंद होता है। तो ये सब जो रुचियां हैं वो सामान्य रूप से सभी बच्चों में पाई जाती है इस एज की। और कुछ भी रुचियां रहती है जो अलग अलग रहती है, जो कुछ स्पेसिफाई इंटरेस्ट रहता है उनका अलग अलग फील्ड में। तो इस तरह से इस एज में आने के बाद थोड़ा सा उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है उनके इंटरेस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आत्मसम्मान की भावना और स्थिति की आकांक्षा। इस एज के बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत तीव्र होती है, बहुत प्रबल होती है। उन्हें अपने आत्मसम्मान, उनके सम्मान की, गौरव की बड़ी चिंता होती है। वे अपने परिवार में, विद्यालय में या जिस भी ग्रुप में हैं उनके बीच एक रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, समूह में अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं, जो भी उनका स्टेटस है या पोजिशन है वो दिखाना चाहते हैं। तो ये जो होता है उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने स्टेटस या अपना जो पोजीशन है जो भी ग्रुप में, तो वो एक अलग दिखाने की बहुत ज़्यादा इनमें प्रबलता दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं कि अपना आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा होती है कि हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए हर जगह। स्थिति की आकांक्षा होती है, स्टेटस अपना दिखाना चाहते हैं। जैसे कुछ स्कूल में, घर में आपको कुछ कार्य दिया जाता है, तो वो कार्य को कम्प्लीट करके वो चाहते हैं कि अपने लिए सम्मान और स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे ये करके वो अपने लिए सम्मान चाहते हैं और अपनी स्थिति निश्चित करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी बुरी आदतों और अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का विकास। ये अवस्था ऐसी बहुत जल्दी बच्चे अच्छी आदतों में पड़ जाते हैं, कई बार ये होते हैं कि बुरी आदतों में पड़ जाते हैं इसमें, क्योंकि कुछ शारीरिक मानसिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति करने में बालक बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे कि यौन संबंधी बुरी आदत। कुछ बुरी आदत उनको आस पड़ोस की या आस पास जो देख रहे हैं उसकी वजह से भी हो जाती है, जैसे कि धूम्रपान करना, गुटखा खाना, तो ये सब चीज़ें। तो कुछ किशोर किशोराएं में कि शारीरिक और मानसिक जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए, जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तब ये आपराधिक प्रवृत्ति में भी पड़ जाते हैं कई बार, और ये अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो सब थोड़ा जो पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या जिनके रिलेटिव्स हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस स्टेज के बच्चों के ऊपर, जिससे कि वो बुरी आदतों में ना पड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता।
इस एज में स्वतंत्रता की बहुत बड़ी मतलब की प्रवृत्ति उन्हें बहुत तीव्र होती है। वे परिवार और विद्यालय में किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ तक आत्मनिर्भरता चाहते हैं अपने लिए। कभी कभी अपने आप को सब कुछ सोचने और करने के समर्थ समझते हैं, तो वो चाहते हैं कि सभी काम उनको दिया जाए, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ कार्यों के को करने के लिए वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनके ऊपर सहयोग करें। तो ये दोनों चीज़ें उनकी इसमें चलते रहती हैं कि कई चीज़ वो सोचते हैं कि खुद कर लेंगे तो उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, उनकी कोई और इंटरफेरेंस नहीं करे उनके कामों में। और कई बार ये सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, बाकी लोगों को भी मेरी मदद करनी चाहिए, दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो उनकी मदद करें। तो ये स्थिति उनमें चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य की चिंता, फ्यूचर एंग्जाइटी। तो इसमें भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं रहती है इस एज के बच्चों में। वो मेन मुख्य चिंता तीन तरह की होती है। एक तो व्यवसाय की चिंता होती है उनको, समाज में अपनी स्थिति की स्टेटस की चिंता होती है, और एक लाइफ पार्टनर की चिंता होती है। तो ये मेन चिंता इस स्टेज के बच्चों में ज़्यादा होती है कि आगे चल के वो किस तरह के व्यवसाय या किस तरह की नौकरी या जॉब उनको मिल पाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि पोजीशन किस तरह की रह पाएगी, स्टेटस कैसा हो पाएगा हमारा जो सोसाइटी में। तीसरा होता है कि जीवन साथी किस तरह का होगा हमारा, अच्छा होगा नहीं होगा। तो इस तरह की चिंताएं उनमें, फ्यूचर की चिंता इस एज के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। जो 15 वर्ष से कम की आयु के रहते हैं जो बच्चे, वो थोड़े भावुक होते हैं, जैसे आशा निराशा इसके बीच झूलते रहते हैं। मतलब कई बार उनको लगता है नहीं पॉजिटिव रहते हैं, कई बार थोड़े से निराश हो जाते हैं, कुछ उनका काम नहीं होता है। तो कभी कभी उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखता है, कभी थोड़े से हतोत्साहित हो जाते हैं किसी भी जैसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा उनमें सफलता मिल गई है तो खुशी दिखाते हैं, सफलता नहीं मिल पाई है तो बहुत जल्दी निरुत्साहित हो जाते हैं कि वो काम तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कभी थोड़े से निष्क्रिय जैसे रहते हैं, कभी तो बहुत अच्छा आपसे बात करते रहेंगे, फिर थोड़े ही पलों के बाद ऐसा हो जाता है कि वो थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है, अस्थिरता रहती है। मतलब कोई भी इमोशन उनमें बहुत लंबे समय तक बना नहीं रहता है, जल्दी जल्दी उनमें इमोशंस चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं समूह का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। इस एज में इस ग्रुप में बच्चे क्या होते हैं कि अपने समूह को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, घर से भी ज़्यादा महत्व अपने ग्रुप को देते हैं। जिस भी ग्रुप में रहते हैं वो उन्हीं के जो नियम है या जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं या उसमें अपना स्थान बनाना पसंद करते हैं, और उस समूह के अनुसार ही अपनी रुचियों अपने आदतों को भी परिवर्तित करते रहते हैं। या जो भी उस समूह में रहते हैं उनकी जो रुचियां रहती है, उनकी जो आदतें रहती है, उसको भी कई बार अपना लेते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर, कि वो किस तरह के समूह में या किस तरह के ग्रुप में रह रहे हैं। तो ये भी ध्यान देना एक ज़रूरी है कि आपके बच्चे किस तरह के ग्रुप में रह रहे हैं, किस तरह का समूह को फॉलो कर रहे हैं, तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्थायी मित्रता, स्टेबल फ्रेंडशिप। इस एज में जो बच्चे रहते हैं उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा रहता है, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक दो ही मित्र होते हैं उनके जो बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत स्थायी होते हैं, जिससे वो अपने मन की बात कर पाते हैं। तो इसमें स्थायी मित्रता इस एज में हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन की समस्या, किशोरावस्था में सामाजिक समायोजन का काल भी माना जाता है इनको, क्योंकि इस काल में किशोर किशोराओं के संवेग रुचियों में इतनी तेज़ी से परिवर्तन होता है कि उन्हें किसी भी समूह सामाजिक समूह में समायोजन करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। मतलब किसी भी आप समूह में रहें, सामाजिक समूह में चाहे घर में हो, तो उनके जो इमोशन होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन आते रहता है। तो अपने आप को किसी भी एक चीज़ में वो ढालने में थोड़ा सा उनको कठिनाई होता है, इसलिए उनमें थोड़ा समायोजन की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाज सेवा की भावना, फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। अधिकतर किशोर किशोरी में परामर्श और समाज सेवा की भावना जागृत होती है।
वो दूसरों को सुख पहुंचाने में आनंद महसूस करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो दूसरों के लिए कुछ करें, मतलब कुछ मतलब हीरो बनने की जो इच्छा रहती है वो ज़्यादा होती है इस एज के बच्चों में, और उनको खुशी भी मिलती है कि दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं समाज सेवा में ज़्यादा, समाज सेवा की भावना उनमें ज़्यादा जागृत होती है, दूसरे को सुख पहुँचाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा आनंद का अनुभव होता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है वीर पूजा या हीरो वर्शिप। इस आयु ग्रुप के जो बच्चे रहते हैं एज ग्रुप के, वो किसी भी एक व्यक्ति या किसी को आदर्श चुन लेते हैं, मतलब उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। पहले कभी ये होता था कि जो किशोर किशोरियों के जो आदर्श रहते थे वो वीर पुरुष रहते थे, वीर या साहसी कोई नेता या महापुरुष इस तरह के रहते थे, इसलिए इसे वीर पूजा कहा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान की बात कहें तो अभी जो होता है बच्चों के फिल्मी सितारे या फिल्मी एक्टर्स ही उनके आदर्श होते हैं, वो उनके जैसे बाल बनाना चाहते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उनके जैसे चलना या डायलॉग बोलना, उनके जैसे इम्प्रेशन एक्सप्रेशन देना, तो ये सारी कोशिश उनकी रहती है। तो ये वाली चीज़ें जो हीरो वर्शिप होती है वो इस एज के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक अनैतिक विकास, मॉरल इमॉरल डेवलपमेंट। जब एक टाइम ऐसा था पहले का कि इस एज के जो बच्चे रहते थे उनमें धार्मिक भावना का विकास ज़्यादा होता था, वे आदर्शों का और मूल्यों का चयन करते थे जिससे उनका नैतिक विकास होता था। आज भी जिन जो जो परिवार होते हैं या विद्यालय होते हैं समाज होते हैं जिनमें उनको जिन बच्चों का अच्छा उचित वातावरण मिल जाता है तो उनका भी नैतिक विकास हो जाता है। लेकिन आज के टाइम देखा जाए तो भारत में कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति है कि परिवार समाज विद्यालय सभी जगह अनैतिकता फैल गई है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो यहाँ के धर्म प्रचारक भी हैं वो भी नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे पर्यावरण में क्या हो रहा है कि जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो अनैतिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करनी है कि घर का आस पड़ोस का माहौल हम ऐसे रखें कि बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती जाए और वो कहीं भटके ना, मतलब उनका ध्यान इधर उधर ना भटके गलत चीज़ों में और वो नैतिक शिक्षा उनको मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीवन दर्शन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इस एज में बच्चे सांसारिक जीवन की वास्तविकता समझ जाते हैं, सही गलत समझ जाते हैं, नैतिक अनैतिक समझ जाते हैं, अपने तर्क से चिंतन से विश्वास के आधार पर अपने वो जीवन का दर्शन का निर्माण कर लेते हैं जिससे उनके जीवन का उद्देश्य छिपा होता है। तो उनको ऐसा माहौल देना चाहिए हमको जिससे वो सही उद्देश्य अपने लाइफ का जो एम है वो सही चुन सकें और अपने जीवन दर्शन का सही निर्माण कर सकें। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी किशोरावस्था के बारे में। आशा है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसमें से कोई पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ आया है और आप लोग चाहते हैं कि फिर से डील करें आप प्लीज़ बताइए। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आगे हम इसके लिए किशोरावस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए ये देखेंगे। थैंक यू।